हाथों में सवाहात के डंडे और टिस्की लेकर मांदर टिमकी और नगड़िया के उभरते आदिम संगीत के साथ नाचते गाते मंडला के गौंड आदिवासी अपने बड़े देव को प्रसन्न करने के लिए शरद ऋतु में सैला नृत्य करते हैं। सरगुजा की रानी से अप्रसन्न होकर आदिदेव बघेसुर अमरकंटक चले गए थे। वहां के बांसों को काटकर इस नृत्य का चलन हुआ। सवा हाथ के डंडे और पहाड़ पर किए जाने के कारण इस नृत्य का नाम सैला पड़ा। चांदनी जितनी धवल और शीतल होती है, सैला नृत्य की संरचनाएं उतनी ही मनमोहक होती है। गौंड स्त्री पुरुष खूब सज धज कर सैला नृत्य में शामिल होते हैं। पगड़ी पर मोरपिच की कलगी और बंडी पर रंगीन पिछोरा बांधे गौंड युवक और बड़ी किनार की गहरे रंग की साड़ी के साथ पारंपरिक गहने पहने गौंड युवती जब सैला नृत्य में उतरती है तो ऐसा लगता है कोई नदी पर्वत से उतर रही है। सैला नृत्य में गीत महत्वपूर्ण होते हैं। गीतों और उनकी धुनों के माध्यम से जैसे समस्त प्रकृति चांदनी रातों में जमीन पर उतर आती है। नर्तक समूह जब झुक-झुक कर गोल घेरे में या दो कतारों में गुटुम बाजे की थाप के साथ नृत्य करते हैं तब ऐसा लगता है जैसे धरती को नृत्य में शामिल कर वे उसका सम्मान करना चाहते हैं। प्रकृति की गोद में यह आदिम और प्राकृतिक नृत्य मन के आनंद को जैसे चारों ओर बिखरा देता है।